Hello, students. Welcome to MDC Learning. Today, we will start with the part two of chapter number one that is production and inventory management of standard SYBCOM, and the subject is commerce four. So, let's begin. This is a picture which we have already studied. This is a topic which we have already studied in the part one of this subject, correct? Of this uh, chapter. By seeing this picture, I have told you this is all about production planning. How the company is planning for a product. How the company is being, you know, thinking what product and which quality and quali uh, quality and quantity product uh, they want to dispatch to the demanded persons. So this process has been going on. So whenever I want to do all such process, I need to first plan what I have to do it then i can you know anticipate it or then i can implement on such things clear दिस इज मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल जो हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट टाइम लेक्चर में पढ़ा था जस्ट अ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इट मीन्स वॉट प्रोडक्शन प्लानिंग इज डिस एडवांस वट आई डू इट मींस आई हैव टू थिंक वॉट टू डू वॉट वॉट टू डू वॉट नॉट टू डू हाउ टू डू इट वेन इज टू डू इट आई एम थिंकिंग ऑल सच थिंग्स वेन एवर आई एम डूइंग एनी ऑफ द प्लानिंग थिंक करेक्ट इवन आई एम थिंकिंग इन विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग थिंक वट आई एस टू डू इज दिस इज द

एवरी कंपनी हैज़ टू प्लान इन एडवांस बिकॉज दे आफ्टरवर्ड दे डोंट वॉन्ट एनी ऑफ द इंट्रप्शन टू बी देर इन बिटवीन तो उसको हम हटाने के लिए उस प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए हम लोग प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल करते हैं क्लियर एंड हमें भी प्रॉब्लम पड़ता है एक्चुअल प्रोडक्शन हमें कितना चलना चाहिए एक्चुअल में कितना डिमांड था एक्चुअल में कितना बना कितना सप्लाई हुआ हमने कितने लोगों ने इस पर वर्क किया क्या हमने जो प्रोडक्शन बनाए दैट इज दैट रियली रिक्वाड और न एवरी सब कुछ मुझे यहाँ पे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में नॉर्मली जानना पड़ता है क्लियर तो दिस आर ऑल सच द मीनिंग्स जस्ट गो थ्रू इट वन आफ्टर वर्ड्स द नेक्स्ट वन दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल ये आज का न्यू टॉपिक है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था व्हाट आर द फंक्शंस प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के फीचर्स एंड फंक्शंस हमने पढ़े थे क्यों किस तरीके से वो काम करता है अब आज हम लोग पढ़ेंगे इसके इम्पोर्टेंसी क्यों मतलब हम लोग क्यों ये इम्पोर्टेंट इतना रोल प्ले करता है जिसकी वजह से एवरी कंपनी इज वो प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कर रही है तो वेरी फर्स्ट मैं दैट इज़ अदर्स टू अ क्वालिटी मोस्ट ऑफ टाइम भी वो लोग बोलते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल फैसिलिटेट्स क्या करता है क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करता है आई एम चेकिंग ईच एंड एवरी थिंग्स यू नो आई एम टेस्टिंग ईच एंड एवरी क्योंकि मेरा काम क्या होना चाहिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पे होना चाहिए करेक्ट देखो यहाँ पे मैंने एक एक मीनिंग भी बताया अदर्स टू क्वालिटी यहाँ पे लिखा है, है क्वालिटी कंट्रोल हम लोग यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए ध्यान रखते हैं बिकॉज आई एम थिंकिंग आई नो आई एम डूइंग एवरी पॉसिबल मैनर टू डेवलप अ क्वालिटी कॉन्सियस मैं कोशिश करती हूँ क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से होना चाहिए एंड आई एम डूइंग एवरी पॉसिबल वे जिस तरीके से मेरे एम्प्लॉज़ प्रॉपर तरीके से क्वालिटी गुड्स बना सकें प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर सकें क्योंकि okay? अगर क्वालिटी कंसेंस रहेगा तो हमारे लिए क्या होगा प्रॉपर तरीके से सजेशंस ले सकते हैं लोगों का क्वालिटी सर्कल्स हम नॉर्मली मेनटेन कर सकते हैं तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अदर्स टू क्वालिटी हमारा हमारा ये होना चाहिए कि मैं कोई भी प्रोडक्ट बना रही तो मुझे हमेशा लेकिन <coughs> और मटेरियल्स और को ध्यान में रखे हुए मुझे हमेशा यहाँ पर क्वालिटी पर स्टिक होकर काम करना चाहिए द सेकेंड वन दैट इज़ कॉस्ट रिडक्शन डेफिनेटली अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करेंगे तो आई एम डू नॉट डूइंग एनी ऑफ द वेस्टेस थिंग्स तो अगर वेस्टज नहीं होगा प्रॉपर तरीके से कंट्रोल में रहेगा तो क्या होगा प्रॉपर तरीके से कॉस्ट रिडक्शन होगा एंड अच्छी तरीके से मुझे प्रॉफिट भी गेन होगा मतलब मेरे को ज़्यादा एक्सपेंस ना करके मैं रिसिप्ट को ज़्यादा मतलब एक प्रॉफिट को ज़्यादा मैं नॉर्मली यहाँ पे एक्सेप्टेबल्स करूँगी उसके अलावा क्योंकि एवरी स्टेप में मुझे क्या करना पड़ता है कुछ ना कुछ कॉस्ट फैक्टर्स डालना पड़ता है करेक्ट एवरी एस्पेक्ट्स में मुझे यहाँ पे पैसा डालना पड़ता है तो उससे क्या होगा अगर मैं प्रॉपर तरीके से प्लानिंग एंड कंट्रोल कर रही हूँ तो मैं बेटर वर्क इन्वायरमेंट दे सकती हूँ मेरे कस्टम uh, वर्कर्स uh, को अदर देन दिस यू नो माई वर्कर्स गेट इन्वॉल्व इन मेनी ऑफ द थिंग्स राइट एग्जाम्पल दे विल बी डूइंग अ प्रॉपर वर्क इन अ वर्किंग आवर्स में काम करेंगे दे वोंट टेक अ लॉट्स ऑफ हॉलीडेज दे वोंट बी एब्सेंट ऑन द पर्टिकुलर डे मतलब लेवल अच्छा खासा बढ़ जाएगा एंड अच्छा इफ़ इफ आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ प्रॉफिट डेफिनेटली आई विल इंक्रीज द वेजिज एंड इंसेंटिव्स सो मोस्ट ऑफ चीज़ें अगर हम लोग करते हैं तो हमारा बेटर वर्क इन्वॉमेंट एंड प्रॉपर तरीके से हम लोग कॉस्ट रिडक्शन भी यहाँ पर कर सकते हैं थर्ड वन आदर दैट इज़ प्रॉपर तरीके से हम लोग उसको डिलीवरी को शेड्यूल करते हैं बहुत है यू नो अगर मैं प्लानिंग कर रही हूँ मेरे को ही मेक श्योर करना है अगर मैं कोई भी प्रॉपर तरीके से पर डिलीवरी शेड्यूल्ड कर रही हूँ आई एम मेकिंग श्योर कि प्रॉपर फ्लो में काम होना चाहिए राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन डायरेक्टली टू द कस्टमर डायरेक्ट डायरेक्टली टू द पर्सन विच बीन डिमांडेड जैसे सपोज़ मैं इसका बेस्ट एग्जांपल लेती हूँ केक का ठीक है आपने कोई केक शॉप पर जाके केक आपने ऑर्डर किया एंड दैट वाज अ केक ऑर्डर आपको सपोज़ एंगेजमेंट का है वेडिंग का है एनिवर्सरी का नॉर्मली आपको केक ले बनवाना है तो आपको चाहती यू नीड अ प्रॉपर पिक्चर्स एंड एवरी थिंग यू नीड इट प्रॉपर सो दैट टाइम डेफिनेटली अवेलेबल नहीं होगा सो वॉट वी विल बी डूइंग इस हम लोग मेक श्योर sure करेंगे क्या उसको पहले से ना पहले से डिमांड देके रखो तो वो क्या करेगा जो केक शॉ वाला पर्सन रहेगा पहले प्लानिंग करेगा किस तरीके से उसको केक बनवाना बनाना है किस तरीके से प्राप्त बेकिंग एंड एवरीथिंग करेगा जब आप उसके पास आओगे वो किस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से पैकिंग है बाद में डिस्पैच करेगा तो उसको प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है तब जाके आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग वो फुलफिल हो पाएगा ना करेक्ट है तो सेम यहाँ पे भी होता है तो हमारे यहाँ पे क्या होता है प्रॉपर हमारा डिलीवरी शेड्यूल प्रॉपर रहता है स्टडी फ्लो में काम करता है और हम एम हम मेक श्योर sure करते हैं हमेशा टाइम पे वो उसका डिलीवरी शेड्यूल मिले अगर टाइम पे नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली द कस्टमर विल नॉट बी सैटिस्फाइड एंड कस्टमर सेटिसफाइड नहीं है तो आप समझ जाओ पैसे की तो पूरी हेर फेर है पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा वी यू यू वोंट बी गेटिंग एनी ऑफ़ द प्रॉफिट यू वोंट बी गेटिंग एनी ऑफ द मनी तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉपर तरीके से सप्लाई ऑफ डिमांड होना चाहिए क्लियर दिस इज द डिलीवरी शेड्यूल आप समझ सकते हो नीड टू वर्क इन टीम वर्क में काम करना चाहिए प्रोडक्शन मैनेजर यूज टू वर्क एंड एवरी पर्सन इफ दे आर नॉट डूइंग प्रॉपर तरीके से अगर वो लोग फंक्शन मैनेजमेंट से नॉर्मली प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं डेफिनेटली Uh, हमारे में परेशानी हो जाएगी द बैरियर्स विल बी विल बी इंक्लूडेड मो सो हमें वो बैरियर्स को नहीं हटा बैरियर्स को हटाने के लिए हम एक साथ में टीम वर्क में काम करें एंड जितना हम प्रॉपर टीम वर्क में काम करेंगे डेफिनेटली माई डिपार्टमेंटेशन एंड माई फंक्शनल एरियाज़ विल बी प्रॉपर सेटिस्फाइड करेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है अदर देन दिस इफ आई एम इफ़ आई एम डूइंग प्रॉपर तरीके से टीम वर्क में अगर आई एम डूइंग ना तो यहाँ पे क्या होगा प्रॉपर तरीके से मैं किसी को भी यहाँ पर टारगेट कर सकती हूँ और टारगेटेशन बहुत ज़रूरी है अगर प्रॉपर तरीके से मेरे यहाँ पर टारगेट होगा एंड प्रॉपर तरीके से काम होगा सो वॉट विल हैपन हमारे यहाँ पर फ्री फ्लो और प्रॉपर टीम वर्क में काम हम कर पाएंगे एंड जो भी हमारा सेटिसफेक्शन जिसको भी कस्टमर्स को देना है हम वहाँ पर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर कस्टमर सैटिस्फेक्शन कर पाएंगे सो दिस आर द फोर पॉइंट्स एंड नेक्स्ट वन दैट इज़ गुड विल प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल्स एम्ड एंड जनरेटिंग गुडविल्स गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है अदर दैन दिस उनको कॉपरेट इमेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो अगर हमें मैं प्रॉपर तरीके से तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल कर रही हूँ तो मेरे कंपनी की जो इमेज है जो मेरा तरीका है काम करने का है वो, वो कस्टमर्स के माइंड में एकदम फिटअप फिट हो जाएगा एंड अच्छा गुड इमेज कस्टमर के सामने रहेगा तो देव फोर हम लोग प्रॉपर तरीके से राइट प्राइस एंड राइट टाइम पे प्रोडक्ट दे सकते हैं अगर मेरी कंपनी की इमेज ही ख़राब है तो डेफिनेटली जो आप प्राइस उनसे मांगेंगे दे वो उन गिव यू दैट करें रीज़न यही है क्योंकि उनका माइंड में नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो गया आपकी कम कंपनी को ले तो गुडविल के लिए हमें मेक श्योर करना है कि हमारे स्टेक होल्डर हैं शेयर होल्डर्स हैं सप्लायर्स है डीलर्स है कस्टमर्स है आई हैव टू पुट अ वेरी गुड इमेज इन फ्रंट ऑफ देम रीज़न क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस कब कैसा उनको उनके सामने अच्छा दे सकते हो यू नो मोटिवेटिंग योर कस्टमर बाय मोटिवेटिंग योर एम्प्लॉयज टू गिव अ प्रॉपर क्वालिटी क्वान्टिटी एंड ऑन टाइम प्रोडक्ट टू दैम अ राइट प्राइजिज अ राइट पैकेजिंग अ द प्रमोशन एवरी थिंग शुड बी गुड योर प्रोडक्ट परफॉर्मेंस शुड बी वेरी गुड तो दिस आर द थिंग्स दिस आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स बिच इफ द कंपनी डू प्रोपर वे सो डेफिनेटली द गुड विल विल बी मोर द इम्पैक्ट वन एंड द नेक्स्ट वो दैट इज़ हाई प्रोडक्टिविटी हाई हाइयर प्रोडक्टिविटी यहाँ पर होती है इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी हमें अगर करना है बहुत ज़्यादा अच्छा आउटपुट लेना है तो आफ टू डू इज मुझे अच्छा सेम सेम अमाउंट में इनपुट भी डालना पड़ेगा अगर मुझे आउटपुट अच्छा चाहिए मैं चाहती हूँ मेरा अच्छा क्लोथिंग बने सपोज मेरा कोई कंपनी है और वहाँ पर मैं चाहती हूँ कि द शर्ट और अ टी शर्ट शुड बी वेरी गुड क्वालिटी सपोज द क्लोथ शुड बी वेरी क्वालिटी आई हैव टू पुट अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑल्सो द कलर्स ऑल्सो द पैटर्न ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट आउटपुट अच्छा होगा अगर इनपुट बहुत ही कम होगा तो दैट्स टोटली रॉन्ग तो इनपुट एंड आउटपुट प्रॉपर तरीके से प्रोडक्टिविटी में होना चाहिए रेशो होना चाहिए इनपुट एंड आउटपुट तरीके से क्योंकि अगर कोई मैनुफैक्चरिंग कंपनी है सो so, अगर आप लोअर इनपुट डालोगे तो डेफिनेटली रि उसका रिजल्ट भी क्या होगा अच्छा नहीं होगा नेक्स्ट मदर इज मिनिमाइज वेस्टेजेस अगर प्रॉपर तरीके से हम लोग प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करेंगे तो मिनिमाइज वेस्टेजेस कम होगा और हम लोग प्रॉपर इफेक्टिव तरीके से नॉर्मली हैंडल कर सकेंगे हमारे कोई भी चीज़ों को प्रॉपर वर्किंग कंडीशन हमारा प्रॉपर होगा करेक्ट प्रोडक्शन कंट्रोल करेगा एंड इट इज़ इंश्योरिंग दैट और द प्रॉपर क्वालिटी ऑफ फिनिश गुड्स टू बी गिवन टू अ वेरी लो लेवल ऑफ प्रोजेक्ट ऑल्सो करेक्ट को क्या हो रहा है हम लोग जितना कम प्राइजेस देंगे उतना हमारा मेसेजेस कम होगा एंड प्रॉपर तरीके से हमारा मिनिमम वेस्टज़स होने की कोशिश होगी सो आई नीड टू डू अ वेरी प्रॉपर हैंडलिंग होना चाहिए प्रॉपर वो यूजिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल्स होना चाहिए है नमें इंश्योर करना है प्रॉपर तरीके से क्वालिटी गुड्स मिनिमम बना रहे हैं इन द लास्ट में दैट इज कॉन्ट्रीब्यूट प्रॉफिट डेफिनेटली हमारा अल्टीमल आर अल्टीमल अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज अल्टीमेट गोल इज वॉट फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज टू इंक्लूड द इन्वेस्टमेंट एंड द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ ईच एंड एवरी थिंग आई हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रोफिट इंटरप्राइजेज ऑल्सो मुझे प्रॉफिट भी डालना है फॉर आर एंटरप्राइजेस वो हाउ कैन आई अचीव दैट आई हैव टू कीपिंग माई कस्टमर सेटिस्फाइड करो कस्टमर को प्रॉपर डिलीवरी करो जो उनके प्रोडक्ट्स हैं एंड प्रॉपर तरीके से मीटअप करो उनको फीडबैक लो उनसे तो कंट्रीब्यूशन वो कर पाएंगे आपके प्रॉफिट्स में रिपीटिव आपसे बार बार वो लोग रिपीट में आपसे डिमांड करेंगे अगर आपने वन टाइम में अगर उनको सेटिसफेक्शन नहीं कर पाया तो दे नेक्स्ट टाइम दे वोंट कम एंड डोंट दे डोंट वांट फ्रॉम योर कंपनी एनी ऑफ द प्रोडक्ट अगर एक कस्टमर भी हमसे क्या सो डेफिनेटली वी विल बी बेयरिंग अ लॉट्स ऑफ लॉसेस क्लियर सो दिस आर द थिंग्स टोटली है टोटल मैंने आपको एट एट आई थिंक मैंने यस मैंने आपको एट टू टेन पॉइंटर्स पढ़ा ली दिस आर द इम्पॉटेंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल नेक्स्ट एंड वी नेक्स्ट टाइम वी विल बी डूइंग अ स्टेप्स इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल टिल देन बाय थैंक यू